कि सीरीज अपना पूरा टाइम लेती है और आपको पेशेंस रख के पूरा सीरीज देखना होगा, जो कि आजकल के रील स्क्रॉल करने वाले लोगों के पास तो है नहीं। पंडित वापस आ गए। मिर्जापुर सीजन 3 फाइनली रिलीज हो गया और क्या ये शो आपको देखना चाहिए, क्या पिछले दो सीजन की तरह ये सीजन भी आपको हुक करके रख पाएगा, सबकी जानकारी मिलेगी, बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। कालीन भैया के बेटे मुन्ना भैया, जिनको कि गुड्डू ने पिछले सीजन में खत्म कर दिया था, और सबका सवाल था कि क्या मुन्ना भैया बचे होंगे, क्या मुन्ना भैया का दिल राइट में होगा, लेकिन मेकर्स ने इसे शुरुआत में ही दिखा के क्लियर कर दिया कि अब वो पीछे नहीं मुड़ने वाले। सीजन 3 में हमें काफी सारी चीजें चेंज होती दिखती हैं। कालीन भैया सरद के साथ हो गए और बीना गुड्डू के साथ हो गई। सीरीज 10 एपिसोड का है और सारे करीब 55 मिनट के आगे पीछे के हैं, मतलब कि सीरीज अपना पूरा टाइम लेती है और आपको पेशेंस रख के पूरा सीरीज देखना होगा, जो कि आजकल के रील स्क्रॉल करने वाले लोगों के पास तो है नहीं। लेकिन पेशेंस के साथ अगर आपने इस शो को देखा तो समझ लीजिए एंड में आते आते आपको उसका पे ऑफ मिल ही जाएगा। सीरीज में सभी का काम बहुत ही बढ़िया है, ऑल्दो कालीन भैया का स्क्रीन टाइमिंग काफी ज्यादा कम है, लेकिन जितनी बार वो स्क्रीन पे आए हैं बहुत ही अच्छे दिखे हैं। गुड्डू पंडित की बात की जाए तो उनके कैरेक्टर आर्क काफी ज्यादा सही है, वो एकदम ही अनप्रिडिक्टेबल है और पूरे सीरीज में वॉयलेंस और गाली का एकदम बेहतरीन तरीके से मिश्रण करके आपको दिखाया जाता है। सीरीज में हमें कुछ नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि अपनी अपनी जगह के सब बाहुबली हैं। सबका काम अच्छा तो है, लेकिन मुझे जिसने काफी ज्यादा इम्प्रेस किया इस सीजन तो वो है गोलू गुप्ता, जिसका रोल प्ले करती है श्वेता त्रिपाठी। हाँ, और उन्होंने इस शो को समझ लो कि चलाया है, और लास्ट में वेब सीरीज एंड होने के बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, मिस मत करना। तो ओवरऑल बात की जाए वेब सीरीज कैसी है तो मिर्जापुर सीजन 3 अच्छी है, वन टाइम वॉचेबल है, 1 घंटे के लगभग सारे एपिसोड है, तो आराम से एक एक दिन भी करके आप देख सकते हो। और अगर आपने मेरी तरह पूरा वेब सीरीज देख लिया है तो कॉमेंट करो कि फेवरेट कैरेक्टर इस सीजन का कौन है।